तो मेरे दोस्तों, ये जो सामने आपको मकबरा जो दिख रहा है, मैं मकरा कह रहा हूँ, तो ये मकबरा जो है इल्तुतमिश का मकबरा है, ठीक है। ये जो बकरा है इल्तुतमिश का बकरा है। ये अनुराग इधर देखो, मैं बहुत ही अच्छा, तेरी आवाज़ नहीं आ रही यहाँ तक। ये जो सामने आप देख रहे हैं कुतुब मीनार है, ये देखो इसके पीछे से एक हवाई जहाज निकल के आएगा। अभी देखो, मैं जादू से दिखाता हूँ आपको, वो आया जिमकर जिमकर बवाल आया है ना, बिल्कुल सही का सही लिया ना मैंने सूट। ले मेरा बना एक बार ऐसे सामने से, मैं चलता रहूँ ऐसे। देखो ये कितना अच्छा लड़का है, ये कुछ काम करने का लायक नहीं है। चला इसको बोला एक टोकन निकालने के लिए, मैंने टोकन निकलवाया इसके चक्कर में। बहुत ही इंजॉयमेंट आ रहा है, बहुत अच्छी है। अब हम आपको खेल दिखाएंगे कुतुब मीनार। अबे है यार, मेरे पीछे महारानियों के लिए जो युद्ध करने के लिए जाते थे ना। अतुल जी, उसका आप धन्यवाद तो करोगे ना, जो टोकन दिया है। जो टोकन हमने ब्लैक में लिया है, हम उसको धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि इसने हमें कम से कम 10 गुना ज्यादा रेट पे हमें टिकट दिया है। 10 गुना नहीं, 2-3 गुना, 2 गुना दिया, ज्यादा नहीं दिया। कैमरे को सही कर, बिकॉज की यहाँ इंग्लिश ना अच्छा था, ठीक है, इंग्लिश नहीं था बोलो। तो ये जो तुम मकबरा दिख रहा है, कुतुब मीनार है दोस्तों, तो क्या है ये अपना कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का, तो उसने बनाया है, ठीक है। और उसके बाद तुम इसने इसका थोड़ा बहुत काम करवाया, ठीक है जी। तो दोस्तों बता रहे हो, जो कुतुब मीनार वो दिख रहा है आपको, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। तो बताइए और कुछ उसके बारे में जानते हैं तो आप। ये सड़क इंडिया वालों ने बनाई है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बाहर का था, बाहर का बकरा था। बाहर का बकरा, कैसे कैसे बात बोल रहे हो आप, ये वो भी तो इंसान ही था ना यार। तुम इसका जो लड़का था उसने मजे में बना दिया मकबरा, मजे में मकबरा है बना हुआ है। तुम इसमें लड़का था, छोटा लड़का उसने बनाया। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये खलजी का मदरसा है, इन्हीं यहाँ पे पढ़ाई होती थी मदरसे की, ठीक है। खलजी का मदरसा, ये पेड़ कब से हैं? ये पेड़ जो है ना, ये बरगद का पेड़ है दोस्तों। ये पेड़ तुम इसका जो लड़के का जो लड़का था उसने लगाया था ये पेड़ यहाँ पे, ठीक है। वो तो ये बड़ा हो गया, लड़का मर गया, लेकिन अब पेड़ नहीं मरा। हमें बहुत खुशी हुई जानकर अतुल जी, आपको बहुत दिखाएंगे। बहुत पुरानी गुफा है, तुम इसके जो पापा था उसने ये गुफा बनाई थी, लेकिन ये गुफा खोल दी गई है दोस्तों। तो थोड़ा मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया, यहाँ पर आपको अंधेरा बहुत दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये बहुत ही मतलब कि ये इस पर बिल्कुल पेंट वेंट कुछ नहीं हुआ है, बहुत पुरानी चीज है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से पहली पुरानी चीज है, हमारे जो हिंदू धर्म की जो मान्यता है उसी के बेस पे शायद बनेगी होगी, उसने सिर्फ यहाँ कब्जाया है आके। यानी मेरे को दोस्तों उस चीज से जो बहुत अलग मॉन्यूमेंटल से ज्यादा पुराना लग रहा है, ठीक है। तो आप दोस्तों लाइक जरूर ठोकना, क्योंकि ये इल्तुतमिश ने नहीं बनाया, ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, उससे पहले की यहाँ मॉन्यूमेंट है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूँ, देखो पिलर है, आ जाओ। ये पूरा पूरा पत्थर को तराश के बनाया गया है दोस्तों, देखो बिल्कुल ठोस है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया कलाकारी है, लेकिन बहुत पुरानी कलाकारी है। मुझे लगता है कुतुब मीनार से पुरानी है कलाकारी, ये कुतुब मीनार से पहले यहाँ पर मिली गई थी, ठीक है। पीछे यहाँ से पीछे कुर्सी लड़की जा रही है, ठीक है। बहुत बहुत हो गया, लट बजेगा। बहुत पुरानी है, आप दिखाना चाह रहे हैं आपको, इसका बारे में बताइए आप थोड़ा बहुत। इसके बारे में आपको बता देता हूँ ना, तो ये क्या है दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये झोपड़ा था। झोपड़ा था, क्या होता था यहाँ पे झोपड़े में, बहुत ही अंधी। सब बताओ, सब बताओ, खुल के बताओ आप, तुम इसका हमारे आपके फैन लोग सारे जानना चाहते हैं। फैन लोग बता रहा हूँ ना, मुझे यहाँ पे हमारा जो इल्तुतमिश जो था, छोटा सा बच्चा था जो उस फोटो में घूमता था, खेलने का स्थान था,
यहाँ पे कभी कभी पुट्टी भी कर देता है। ठीक है, अजब आ गया बताना। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत ये अपना स्टिक स्ट्रक्चर खराब हो गया, तो ये टूटने वाला है इसलिए इसको बचा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैद खाना है दोस्तों, बहुत पुराने टाइम का कैद खाना है। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी अपराधी होते थे बलात्कारी से हम पकड़ के यहाँ बंद कर दिया जाता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। खलजी का मदरसा लिख रखा है यहाँ तो, लेकिन मैं कैद खाना बोल रहा नो एंट्री है, लेकिन हम फिर भी कूद के जा सकते हैं क्योंकि हम इंडियन हैं। कितना पड़ेगा? नो एंट्री है, उधर से जाएंगे हम, बिल्कुल नियम का पालन करेंगे, हम नियम को नहीं तोड़ते। वो देखिए एक इंडिया का जहाज जा रहा है, देखो दोस्त दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो तुम मीनार से भी ऊंचा है। ठीक है, जवाब मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये इल्तुमिश का कोई बचपना वो नहीं है, ये मदरसा है। ठीक है, खलजी का मदरसा, तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, यहाँ पे पढ़ाई होती थी। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि पढ़ाई भी कितना बेकार पैसा खर्च किया गया है, पढ़ाई वाली जो अपनी इमारत है जल्दी टूट गई है, यानी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है। मदरसा है, मदरसे के और ये देखो कुतुब मीनार पे खड़ा है, तो दोनों में फर्क देखिए। दीवार आपको दिखाई दे रही होगी, दीवार है किस तरीके से, मतलब कि मदरसे को इस तरीके से बनाया गया है, और जो अलग चीज है उसको बहुत अच्छे से बनाया गया। एक बात बताइए आप, तभी के जमाने में सीमेंट नहीं था, तो ये स्ट्रक्चर कैसे हुई है? अभी हम आपको दिखा रहे हैं, हम गैलरी में आ गए हैं, मदरसे की गैलरी होया करती है, यहाँ पर बच्चे घूमे करते हैं, किसी ने यहाँ पर निशान बना दिया 1953 में, किसी ने आके यहाँ पे उंगली की होगी अपनी आगे, किसने किसी बंदे ने उंगली करी है 1953 में, तो ये निशान उसी का है। ये दोस्तों यहाँ पर बैठ के लड़के उस टाइम पे मदरसे में लड़के छेड़ा करते थे। हम लोग मदरसे की दूसरी साइड पे आ गए हैं, इधर की साइड क्या है, बच्चे हाफ टाइम में घूमा करते थे, कभी इधर इधर घूमते थे, जैसे कि हैरी पॉटर में देखा होगा आपने, इधर बाहर में घूमते थे, जिम भी घूमते थे। दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाई दे गया है सुसु करने का एक पॉइंट है, यहाँ से बच्चे सुसु किया करते थे, बाहर निकल जाता था, मदरसे के जो बच्चे थे वो सुसु करते थे यहाँ पे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखो एक और कक्ष हमें दिखाई दिया है, आपने तो इसके बारे में बता दिया था। हाँ, कोई बात नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक हिंदू बहुत ही बड़ा मिला है, क्या बोलते हैं इसको, जय श्री राम, हिंदू भक्त जय श्री राम लिख के गया है यहाँ पे मदरसे में, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी। आपने तो काफी सारी नॉलेज का एंटर हो गए हैं। ये जो मदरसा है पीछे गार्डन है, यहाँ पर बच्चे क्या है बैट बॉल खेला करते थे उस टाइम पे, जब मुझे छुट्टी हो जाती थी, पहले तो बैट बॉल नहीं निकला था, पहले वो निकलता था ना गुल्ली डंडा नाम से कुछ था, अरे वो बैट बॉल ही मान लो ना, उस टाइम तो बैट बॉल था। ठीक है, अच्छा। चिड़िया बल्ला भी खेलते थे कभी कभी, कभी 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 कुछ कुछ उल्टे सीधे, शक्कर भुज्जी एक खेल होता था वो भी खेलते थे, शक्कर भुज्जी खेल में से जिसका वो देखो बच्चा कैसे कर रही है, बच्चा कितना प्यारा है, कोई बात नहीं बच्चे का फोकस छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चे की तो बात कर ही रहे हैं, फोकस बना के रखो, फोकस यस सर, यस सर। अब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, उस टाइम के पहले टाइम की पैडिया हो करती थी ये, हम इसको पाथवे बोलते हैं, ये पाथवे है हमारे कंस्ट्रक्शन में, इसको पाथवे बोलते हैं। ये बिल्कुल भी लेवल में पाथवे नहीं है, उस टाइम पे आउट लेवल नहीं होता था, यस यस।
तो आप अतुल जी थोड़ा लीजिए, मैं भी थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा आपको और जानकारी दे दो, उसके बाद मैं आपकी जानकारी दूँ। अच्छा, ये जो पैडी है ये उसके लिए बनाया जाता है, जैसे किसी का पैर फिसल जाए तो उसकी पिछवाड़े में गुल्लियाँ छुप जाती है। नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, वो इसलिए लगाया गया है कि कोई आदमी आसानी से चढ़ सके और उतर भी सके। मतलब कि क्योंकि अगर पैडी नहीं बना सकते थे, नहीं बना सकते थे। वो हम लोगों ने बनाया, ये हम लोगों ने बनाया है, ये पहले से बना हुआ था, पुराना नहीं है, ये हम लोगों ने बनाया है। ये हम लोगों का दरवाजा मिल गया यार, इतने दरवाजे थे यहाँ पे, कोई कहीं को भी निकल जाता था। इसके बारे में बताओ आप थोड़ा, इसके बारे में आप क्या जानते हो? आपको हम हाइट पे लेके चलेंगे, थोड़ा हाइट से और अच्छा व्यू आएगा ना। वो देखो पुराने बंदे देख, बिल्कुल भी पैडियां नहीं बना रखे चढ़ने के लिए। काफी सारी आपने नॉलेज ले रखा है तो जी। मैंने सोचा था यहाँ खड़े होने की जगह, लेकिन ये तो पुल बना रखा है अपने बंदों ने। ये क्या है, ये पहले के जमाने में भी स्विमिंग पूल होता था क्या? बताइए। ये तो सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन ये हमारे जमाने मिक्स हाइब्रिड लग रहा है, पुराना और नया दोनों का हाइब्रिड। ये कैसे हो सकता है, उस जमाने में सीमेंट नहीं था, ये पॉसिबल कैसे है बनाना? ये लुधियाना बिल्डर के द्वारा बनाया गया है। लुधियाना बिल्डर, लुधियाना बिल्डर हमारा जो टेनी बाबू, उसने बनाया है। ठीक है, टेनी बाबू कैसा आदमी है? प्रोजेक्ट लिया था उसने। टेनी बाबू पेमेंट टाइम टू टाइम देता है? दो महीने से पेमेंट नहीं दिया है यार, क्या करें, सैलरी के बिना घूमने आ गए। इधर से फोकस करो, फोकस फोकस बेटा फोकस, वहाँ चलना, उसके बारे में थोड़ा बताना, उस पाइप के बारे में। उस पाइप का ओडीआई का पाइप है, उसके पास मत जा भाई प्लीज, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। उसके बारे में मैं अंदर बता सकता तुम्हें, प्लॉट में गया हुआ पाइप है तो मैं अंदर से सही कराना पड़ेगा तुझे, प्लॉट में गया हुआ है। महेंद्र ने चलो ध्यान। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ पे हम नई चीज दिखाऊंगा आपको, दोस्तों जो वो है चला पकड़। मैं आपको आखिर में कुतुब मीनार दिखाना चाह रहा हूँ, एक बार फोकस मारते हैं। बताइए इसके बारे में, इसके बारे में बताओ, बताइए। इसके बारे में कुछ नहीं पता है, वो आप इसको सीधा रखो, फोन सीधा है, ऐसे रखो, ऐसे ऐसे दे रहे हो भाई। इसमें सात मंजिल होती है, सात मंजिल तो इसमें नीचे वाली मंजिल में मिस रहता था, उससे ऊपर वाली में उससे बड़ा बेटा रहता था, उससे बड़ा, मतलब कि हर बेटे एक के ऊपर एक रहते थे यहाँ सैंडविच बना के। चलो लगे, यहाँ गार्डन दिखा सकते हैं ये बच्चों, ये छोटा यहाँ नीचे की तरफ गार्डन है, वहाँ उस टाइम की इंजीनियरिंग में पता नहीं था, यहाँ पहले पानी भर जाता था तो थोड़ा नीचे बनाया है। इतनी सोच है क्या करें, किले पे है ना ये तो, कुतुब मीनार जो आपको दिखाई देगा किले पे। मैं सोच रहा हूँ कि कुतुब मीनार पे ऊपर चढ़ूँ, लेकिन ऊपर जाने का भी रास्ता बंद है, इसलिए नहीं चढ़ बैठ गए। चल बस आज की खबर समाप्त, समाचार खत्म है।